ये कहानी क्राइम यूनिट और अंडरवर्ल्ड के कॉन्ट्रैक्ट गैंगस्टर की है, जो कि दिन दिहाड़े और सबके सामने शहर को लूट लेता है। तो आइए देखते हैं क्राइम यूनिट और अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर की कहानी को। तो कहानी शुरू होती है यून नाम की लड़की से, जो कि वैंग नाम के आदमी का पीछा कर रही थी। वो उसके एक एक सेकंड की हरकत नोटिस कर रही थी, जैसे कि वैंग कोई टेररिस्ट हो। तभी हम शैडो नाम के कॉन्ट्रैक्ट गैंगस्टर को देखते हैं, जो कि यून के पास से गुजर जाता है। और शैडो को देख लग रहा था कि जैसे कोई सीक्रेट मिशन पर हो। यून वैंग का हर जगह पीछा कर रही थी, पर वैंग उसे पकड़ लेता है। और तभी हम जान पाते हैं कि वैंग क्राइम यूनिट का चीफ है और यून उसकी होने वाली मेंबर। और ये सब यून का एक ट्रायल था। वो यून से सारी बातें पूछता है कि मैंने किस समय क्या किया था, और अपने तेज दिमाग की मदद से यून उसे सब बता देती है, क्योंकि यून का दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। और यून की काबिलियत को देख वैंग उसे टीम में शामिल कर लेता है। और शहर में दूसरी तरफ हम शैडो को देखते हैं, जो कि रैंडम कार में बॉम्ब प्लांट करके अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। लेकिन वो काम को इस तरीके से कर रहा था कि सीसीटीवी में चेहरा दिखाई ना दे। और बॉम्ब को प्लांट करके शैडो दूसरी बिल्डिंग पे पोजीशन ले लेता है, जहां से वो पूरी टीम को गाइड करेगा। अब शैडो का मिशन बैंक में रॉबरी का था, जहां से कुछ लॉकर्स को लूटना था। लेकिन इससे पहले वो आसपास के कम्युनिकेशन सिग्नल को चेक करता है, और रास्ता क्लियर मिलते ही उसकी टीम लॉकर्स को लूटने लगती है। और तभी शैडो का एक आदमी पैसों को देख लालच में आ जाता है, और मिशन से हटकर वो और पैसे लूटने लगता है, जिस कारण काफी समय बर्बाद हो गया था। और इससे पहले पुलिस उन्हें दबोच पाती, टीम का दूसरा मेंबर ट्रक से कार को क्रैश कर देता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। और इससे आप अंदाजा लगा लो कि शैडो कितनी सफाई से क्राइम करता है। पर शैडो अपने उसी आदमी को बहुत ही बुरी तरह पीटने लगता है, क्योंकि उसके लालच की वजह से सबकी वाट लग जानी थी। और शैडो क्राइम की दुनिया में परफेक्ट प्लान के नाम से जाना जाता है, और आज एक लालच की वजह से शैडो का नाम खराब हो सकता था। खैर, काम होने के बाद शैडो ब्रोकर के पास जाता है, जो कि हाई टेबल से काम लेके शैडो को फॉरवर्ड करता है। इसलिए और एक काम ब्रोकर शैडो को थमा देता है, जो कि काफी आसान था। उसे कुछ फाइल चोरी करके ब्रोकर के पास लानी थी, जिसके बाद शैडो से कहता है कि ये मेरा आखिरी काम है, इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा। और इधर वैंग यून को पूरी टीम से मिलवाता है, और तभी वैंग की टीम के पास शैडो की रॉबरी का केस पहुंचता है, क्योंकि ये केस पुलिस के बस का नहीं था। अब शैडो की टीम ने कोई सबूत नहीं छोड़ा, उसने रॉबरी बहुत ही सफाई से की थी। पर वैंग अपनी टीम को कहता है कि छोटी से छोटी गलती ढूंढो, मुझे कैसे भी शैडो चाहिए। तभी वैंग की नजर शैडो के उस आदमी पर जाती है जिसने ट्रक से कार को क्रैश किया था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, जबकि शुरुआत में वैंग उसे देख चुका था जब यून उसका पीछा कर रही थी। और तभी एक स्टोर के सीसीटीवी में वैंग उसे ढूंढ लेता है, क्योंकि रॉबरी से पहले हिप्पो ने खाने का सामान और पानी खरीदा था। अब यहाँ पापी पेट की भूख हिप्पो को बहुत ही महंगी पड़ जाती है। खैर, शैडो के एक मेंबर को क्राइम यूनिट ढूंढ लेती है, जिसे वो आसपास के एरिया के सीसीटीवी में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और हिप्पो ने उस एरिया में मिलता है जहां पर सीसीटीवी कैमरा बहुत ही कम थे। अब पूरी टीम उसी एरिया में फैल जाती है, पर हिप्पो किसी को नहीं मिलता। अब क्राइम यूनिट हिप्पो के ही पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि हिप्पो के मिल जाने से बाकी अपने आप मिल जाएंगे। तभी यून वैंग को कहती है कि हम काफी समय से सिर्फ दो लोकेशन पर घूम रहे हैं, जबकि हमें तीसरी लोकेशन पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सबसे कम सीसीटीवी हैं। यून के कॉन्फिडेंस को देख वैंग उसके प्लान को फॉलो करने लगता है, क्योंकि यून टीम में सबसे तेज है। अब बात करें शैडो की, तो पूरी टीम के साथ वो सभी फाइल्स को चुरा लेता है, पर उसे एक आदमी अपनी विंडो से देख लेता है, जो कि शैडो की फोटोज कैमरे में कैप्चर कर लेता है। इसलिए मजबूरी में शैडो को उसे मारना पड़ता है। और काम होने के बाद शैडो ब्रोकर को कहता है कि तुम्हारा काम हो चुका है, अब मैं और कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन ब्रोकर के पास हाई टेबल से काम आया था, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को लूटने का था, पर शैडो उसे मना करके चला जाता है। और शैडो को सबक सिखाने ब्रोकर उस पर अटैक करवा देता है, पर जैसे तैसे शैडो उसे मार देता है, जिसके बाद वो ब्रोकर को कहता है कि ये मेरा आखिरी काम है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा। खैर, यून के कहने पर पूरी टीम इलाके में फैल जाती है, जहां थोड़ी देर बाद उन्हें हिप्पो मिल जाता है। और हिप्पो को फॉलो करके यून उसके घर का पता लगा लेती है,
जिसके बाद कैमरे फिट कर दिए जाते हैं और हिप्पो की हरकत को नोटिस किया जाता है, जिसके बाद क्राइम यूनिट को पता चलता है कि रॉबरी 6 लोगों ने की थी और मेन बॉस है शैडो। वो दूर से सबको गाइड करता है और सभी उसी हिसाब से काम करते हैं, और पिछली रात जो फाइल चोरी हुई वो काम भी इन्हीं का था, जो कि जाते जाते एक आदमी को मार गए क्योंकि उसने छत पर शैडो को देख लिया था। और सिचुएशन को वैंग अच्छे से समझ चुका था कि पिछली रात क्या हुआ था। अब हिप्पो के घर के कूड़े से क्राइम यूनिट को सीक्रेट कोड मिलता है, जिसे डीकोड करने के बाद क्राइम यूनिट को होने वाली रॉबरी का पता चलता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली है। और रॉबरी से पहले शैडो की टीम इकट्ठा होती है, जो कि शैडो के हिसाब से काम को बांट लेते हैं कि कौन क्या काम करेगा। लेकिन ये सारी बातें क्राइम यूनिट सुन रहा था, और तभी क्राइम यूनिट की नजर उनके पास रखे फोन पर पड़ती है, जिसे हैक करने के बाद उन्हें शैडो का नंबर मिल जाता है। और रॉबरी वाले दिन वो शैडो के नंबर को ट्रैक करके उसकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं, जो कि स्टॉक बिल्डिंग के आसपास की थी, और वहीं पर वैंग की ड्यूटी थी, जहां टीम उसे कहती है कि शैडो को जल्दी पहचानो क्योंकि वो तुम्हारे आसपास है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि वैंग आसपास के लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि इनमें से कौन शैडो है, और इससे पहले वो शैडो का चेहरा देखता बीच में दीवार आ जाती है, जिस कारण वैंग उसे देख नहीं पाता। लेकिन शैडो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो आसपास के माहौल को समझ चुका था क्योंकि क्राइम यूनिट की टीम बिल्डिंग के आसपास फैल चुकी थी। लेकिन शैडो का एक असूल था, वो रॉबरी से पहले आसपास के कम्युनिकेशन सिग्नल को चेक करता है, जहां वो क्राइम यूनिट की बातें सुन लेता है, जिस कारण शैडो अपनी टीम को भागने को कहता है। पर शैडो की टीम बुरी तरह फंस चुकी थी, जिस कारण शैडो की टीम और पुलिस में फाइट होने लगती है। और रही बात शैडो की, तो उसकी लोकेशन वैंग और यून को पता चल चुकी थी, जो कि एक दूसरे को कम्युनिकेशन करके बता देते हैं। लेकिन शैडो सब जान चुका था, और वैंग के हाथ आने से पहले शैडो यहां से भाग जाता है। अब शैडो के कई आदमी मारे जाते हैं और कईयों को पुलिस दबोच लेती है, पर वैंग यून और शैडो के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, जहां शैडो भीड़ में छुपकर खतरा टलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसकी लोकेशन को एक्सपोज करने के लिए क्राइम यूनिट रैंडम कॉल करती है, ताकि उसके आसपास खड़े वैंग और यून उसे पहचान सकें, क्योंकि अब तक किसी ने शैडो का चेहरा नहीं देखा। अब रैंडम कॉल काम कर जाती है, वैंग उसे पहचान जाता है। वो यून को कहता है कि शैडो के पास ब्राउन कलर का लेदर बैग है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि ये लोग सीधे जाकर शैडो को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खुद को बचाने के चक्कर में वो बेकसूर लोगों को मार सकता है। अगर क्राइम यूनिट की गलती से किसी की जान गई तो सबकी वाट लग सकती है, इसलिए चुपचाप दोनों शैडो का पीछा करने लगते हैं। पर जैसे तैसे वो दोनों से बच जाता है, लेकिन क्राइम यूनिट का एक मेंबर शैडो को घेर लेता है कि मुझे आपका आईडी कार्ड चाहिए क्योंकि शहर में हालात ठीक नहीं। पर शैडो समझ चुका था कि ये क्राइम यूनिट का मेंबर है, और खुद को बचाने के लिए शैडो से जख्मी करके भाग जाता है, और अपने आदमी की हालत देख वो शैडो को छोड़ देते हैं क्योंकि सबसे कीमती उनका टीम मेंबर था। लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है, जिससे पूरी टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और बात करें ब्रोकर की, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर मारा गया पर काम नहीं हुआ, इसलिए शैडो फैसला करता है कि ब्रोकर को मारकर वो शहर को छोड़ देगा। और एक छोटी सी फाइट के बाद वो ब्रोकर को मार देता है। काफी दिन बीतने के बाद वैंग यून को कॉल करता है कि हमें टीम मेंबर के कातिल को ढूंढना है, पर यून काफी दुखी थी। और तभी यून को उसी दिन की मेमोरीज आने लगती हैं, जिस दिन यून एक जासूस बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि वो शैडो को पहले देख चुकी है, वही लेदर बैग, सेम कपड़े। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने के बाद यून को शैडो का चेहरा याद आ जाता है, और अपने स्किल्स की मदद से वो शैडो को ढूंढ लेती है, जो कि नए पासपोर्ट के साथ कंट्री छोड़कर जाने वाला था। और शैडो के मिलते ही यून पूरी टीम को अलर्ट कर देती है कि शैडो मिल चुका है, सब लोग जल्दी से मिशन पर लग जाओ। और एक बार में यून शैडो के पास पहुंचती है, लेकिन शैडो समझ जाता है कि यून उसका पीछा कर रही है। लेकिन पूछने पर यून उसे मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं। और तभी वैंग बार में पहुंचता है, जिसे देख शैडो पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन मेरा पीछा कर रहा था। अब ज्यादा देर ना करते हुए शैडो एक नाइफ चुराकर पीछे के गेट से भाग जाता है, जहां पर वैंग उसका पीछा करता है। और तभी सामने से शैडो वैंग को मारने की कोशिश करता है, पर वैंग को जख्मी करने के बाद शैडो यहां से भाग जाता है। यून वैंग को संभालने लगती है,
पर वैंग उसे शैडो के पीछे भेज देता है कि इस बार बचना नहीं चाहिए। और थोड़ी देर बाद यून सबको इन्फॉर्म करती है कि शैडो मेट्रो के अबेंडन एरिया में भाग चुका है। लेकिन पुलिस के पहुंचते ही शैडो यून को गन पॉइंट पे ले चुका था, पर जैसे तैसे शैडो को मारकर वो उसके ट्रैप से छूट जाती है और खुद को बचाने के लिए शैडो भाग जाता है। पर सामने से वैंग उसका इंतजार कर रहा था, जो कि अपने टीम मेंबर की मौत का रिवेंज लेना चाहता है। इसलिए सेल्फ डिफेंस की आड़ में वैंग शैडो को मार देता है। रिवेंज पूरा होने के बाद क्राइम यूनिट अपने टीम मेंबर को श्रद्धांजलि देने जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शैडो के मरने के बाद केन नाम का कॉन्ट्रैक्ट गैंगस्टर उसके काम को आगे लेके जाएगा। लेकिन क्राइम यूनिट उसके बारे में पहले से जानती थी, वो शैडो की पूरी हिस्ट्री निकाल चुके थे। अब केन का असली नाम साइमन यैम है, जो कि हांगकांग सिनेमा के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। खैर, क्राइम यूनिट के इसी मिशन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कहानी बहुत ही सिंपल सी थी, लेकिन जब आप मूवी देखोगे तो शुरू से लेके एंड तक पूरा थ्रिल बना रहेगा, जो कि ज़्यादातर मूवी नहीं कर पाती। मूवी का बजट $4.5 मिलियन था और कमाई की थी $37 मिलियन की।